ए आकाशवाणी खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। माली साल 2023-24 लई केंद्रीय बजट आज लोकसभा च पेश कीता जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 च साल 2023-24 च भारतीय आर्थिकता दे 6.5% दी दर नाल वधण दा अनुमान लाया गया है। मुख आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन दा कहना है कि भारतीय आर्थिकता इस दहाके दे बाकी रहिंदे सालां च बेहतर कारगुजारी दिखाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि भारत की एक स्थिर निडर ते फैसलाकुन सरकार है जो कि वड्डे सुपनियां नूं हकीकत च बदलण लई काम कर रही है ते खेडां च भारत ते न्यूजीलैंड दरमियान तीजा ते अंतम 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच अहमदाबाद च खेडिया जाएगा। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण अज सवेरे 11 बजे लोकसभा च माली साल 2023-24 लई केंद्रीय बजट पेश करेंगे। इस दे छेती बाद राज्यसभा च बजट की कॉपी रखी जाएगी। केंद्रीय बजट नूं मंजूरी देण लई सवेरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक मीटिंग होगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद श्रीमती सीतारमण पार्लियामेंट च केंद्रीय बजट पेश करेंगे। बजट पेश किए जाण तों पहलां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह बजट आम नागरिकां दीआं आसां उम्मीदां नूं पूरा करन दी इक कोशिश है। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण वल्लों पार्लियामेंट दीआं दोहां सभावां च कल आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश कीता गया। इस सर्वेक्षण च अगले माली साल च असल मायनियां च 6.5% दे आधार जीडीपी वाधे दा अनुमान पेश कीता गया है। इसने भी कहा कि भारत विश्व दा सब तों तेजी नाल वधण वाली वड्डी आर्थिकता वजों बणिया रहेगा। सर्वेक्षण च दस्या गया है कि खपतकार कीमतां च वाधे च ठोस मंदी आई है। इसने ए भी कहा कि भारत का खेतीबाड़ी सैक्टर पिछले 6 साल च 4.6% की औसत सालाना वाधा दर नाल गतिशील वाधा देख रहा है। नवी दिल्ली च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं मुख आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि देश दे जीडीपी वाधे दी गतिशील रहण दी उम्मीद है ते आर्थिकता इस दहाके दे बाकी रहिंदे सालां च बेहतर कारगुजारी करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जोर देके कहा कि भारत की सरकार स्थिर निडर अते फैसलाकुन है जो कि वड्डे सुपने पूरे करन वाल वध रही है। राष्ट्रपति ने यह गल कल बजट समागम के पहले दिन पार्लियामेंट के केंद्रीय हॉल च दोहां सभावां दी सांझी बैठक नूं संबोधन करदिआं कही। विश्व च भारत दे वध रहे रुतबे बारे राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि लोकां ने इस सरकार दे कार्यकाल दौरान पहली बार कई सारी तब्दीलियां देखियां ने। भारत दी जीवी प्रधानगी बारे गल करदिआं राष्ट्रपति ने कहा कि देश मौजूदा आलमी चुनौतियां दे सांझे हल लभण दी कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ने 2047 तक एक अजिहे राष्ट्र दे निर्माण दी जरूरत ते जोर दिता जो ना सिर्फ अपने शानदार अतीत नूं अपनाउंदा है सगों आधुनिकता नूं भी आत्मसात करदा है। अंतर्राष्ट्रीय माली फंड IMF ने कहा कि आलमी मुश्किलों के बावजूद भारत दुनिया च सब तो तेजी नाल वधण वाली आर्थिकता बनिया रहेगा। IMF ने विश्व आर्थिक स्थिति बारे अपनी जनवरी की रिपोर्ट जारी की थी। इसने कहा कि भारतीय आर्थिकता घरेलू मांग की मजबूती सदका 2023 6.1% 2024 6.8% की दर नाल वधेगी। IMF ने यह भी संकेत दिता है कि वाधा तेज हो रहा है। विकासशील एशिया दे 2023 5.3% 2024 5.2% की दर नाल वधण दी उम्मीद है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। झारखंड में धनबाद जिले में आशीर्वाद ट्विन टावर अपार्टमेंट में लगी एक वड्डी अग विच 10 औरतां ते 3 बच्चों समेत घट्टो घट 14 लोग मारे गए ने। 35 तो वध लोगों को बचाया गया ते इलाज लई स्थानक अस्पताल च दाखिल कराया गया है। सीनियर SP संजीव कुमार ने आकाशवाणी खबरों नूं दस्सिया कि अग ते काबू पा लिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धनबाद विच अग हादसे च जाना जाण ते दुख प्रगट कीता है। उन्होंने जख्मियों के छेती सेहतयाब होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने धनबाद विच अग त्रासदी कारण मारे जाने वाले लोगों के करीबी रिश्तेदारों लई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड तो 2-2 लाख रूपये की वाधू सहायता देने का ऐलान किया है। जख्मियों को 50,000 रूपये दिए जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अग हादसे च लोगों की मौत से दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की
जी जान नाल काम कर रहे हैं। हादसे च जख्मी हुए लोगों नूं इलाज मुहैया कराया जा रहा है। जीवी दी सिख्या कार्यकारी समूह की पहली मीटिंग अज चेन्नई च शुरू होगी। सूचना ते प्रसारण बारे राजमंत्री डॉ एल मुरुगन पिछले सिखर सम्मेलन दौरान पास किए मतिया नूं अगे ले जाण लई विचार वटांदरे दे सैशन दा उद्घाटन करनगे। ए विचार वटांदरे K-12 सिख्या तकनीकी टेक्नोलॉजी समर्थ सिखलाई अते हुनर दे विकास ते होगी। कल होए सैमीनार लई डेलीगेट मौजूद सन। अज दे विचार वटांदरिया दे बाद जीवी डेलीगेट्स नूं सैर सपाटे वालियां थावां दिखाण लई लिजाया जाएगा। शामी तमिलनाडु दे खाणियां ते इक सभ्याचारक पेशकारी होगी। नागालैंड ते मेघालय विच नोटिफिकेशन जारी होने दे नाल ही विधानसभा चोणां लई नामजदगियां कागज दाखिल करन दा अमल शुरू हो गया है। उम्मीदवार 7 फरवरी तक अपने नामजदगी कागज भर सकदे ने। कागजां दी पड़ताल 8 फरवरी नूं कीती जाएगी। ना 10 फरवरी तक वापस ले जा सकते ने। दोहां राज्यां विच वोटां 27 फरवरी नूं पैणगियां, जदकि वोटां दी गिणती त्रिपुरा विधानसभा चोणां दे नाल ही 2 मार्च नूं कीती जाएगी। त्रिपुरा विच वोटां 16 फरवरी नूं पैणगियां। त्रिपुरा विधानसभा चोणां लई नामजदगी कागज भरन दा काम सोमवार खत्म हो गया है। चोण कमिशन ने सारे 3 राज्यां विच आजाद अते निरपक्ष चोणां यकीनी बनाउण लई व्यापक प्रबंध कीते ने। तेलंगाना विधानसभा अते विधानक कौंसल दा बजट समागम इस महीने दी 3 तरीक नूं शुरू होएगा। राज्यपाल डॉ तमिलसाई सुंदरा राजन ने इस संबंध विच एक नोटिफिकेशन जारी कीता है। विधानक मामलों बारे मंत्री वी प्रशांत रेड्डी अते विशेष मुख सकत्तर के रामाकृष्णा राव ने एक दिन पहला राजभवन विखे राज्यपाल नाल मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने बजट समागम लई मंजूरी दे दी। शांघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म समारोह मुंबई च खत्म हो गया है। इस समारोह च जो हुण तक दा सब तो वड्डा SCO फिल्म समारोह सी, 14 देशां तो 58 फिल्मां दिखाईयां गईयां। समाप्ति समारोह च मुकाबलेबाजी दियां वख-वख श्रेणियां लई जेतुआं दा ऐलान कीता गया। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने समारोह दे सफलता नाल मुकम्मल होण लई सारे हिस्सेदारां ते ज्यूरी नूं मुबारकबाद दित्ती। उन्हां इस गल ते रोशनी पाई कि किस तरह सिनेमा खेतर च समाजिक सभ्याचारक प्रगति दा एक मजबूत प्रेरक है। अपने वोट ऑफ थैंक्स विच NFDC दे MD ने बेहतरीन लीडरशिप ते सेध लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर दा धन्नवाद कीता। ब्रिहन मुंबई म्यूनिसिपल कारपोरेशन BMC वरली विखे नवा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कायम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दा नींह पत्थर रख्या सी। वरली विचला नवा SDP BMC दे उद्देश पूर्ण सीवेज निपटारा प्रोजेक्ट 2 दा हिस्सा है, जो कि करीब 26,000 करोड़ रूपये की लागत वाला है। साबका पहलवान बबीता फोगट भारतीय कुश्ती संघ WFI खिलाफ इल्जामां दी जांच लई बनाई गई जांच कमेटी विच शामिल हो गए ने। खेल रत्न अवार्ड नाल सम्मानित MC मैरीकॉम दी अगवाई वाली जांच कमेटी शरीरक शोषण उत्पीड़न धमकाउण WFI विच माली बेनामियां अते प्रशासनक खामियां दी जांच कर रही है। औरतां दी क्रिकेट विच भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कौंसिल ICC वल्लों जारी 2020 गेंदबाजी रैंकिंग विच दूजे स्थान ते पहुंच गए ने। इंग्लैंड दी सोफी एक्लेस्टन 763 अंकां नाल चोटी ते है, जबकि 25 साला गेंदबाज दीप्ति दे 737 अंक ने। तीजे स्थान ते दक्षिणी अफ्रीका दी गेंदबाज है। भारत अते न्यूजीलैंड दरमियान तीजा अते आखिरी 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अज अहमदाबाद विच खेडिया जाएगा। भारत ने लखनऊ विच खेडिया गया दूजा T20 मैच जित के लड़ी 1-1 नाल बराबर कर लई सी। आखिर विच बुलेटिन दियां खास खबरां एक बार फिर। माली साल 2023-24 लई केंद्रीय बजट अज लोकसभा च पेश कीता जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 साल 2023-24 च भारतीय आर्थिकता दे 6.5% दी दर नाल वधण दा अनुमान लाया गया है। मुख आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन दा कहना है कि भारतीय आर्थिकता इस दहाके दे बाकी रहिंदे सालां च बेहतर कारगुजारी दिखाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि भारत की एक स्थिर निडर से फैसलाकुन सरकार है, जो कि वड्डे सुपनों हकीकत च बदलने लई काम कर रही है। ते भारत ते न्यूजीलैंड दरमियान तीजा ते अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच अहमदाबाद विखे खेडिया जाएगा। इसे नाल आकाशवाणी तो खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है।